गुड मॉर्निंग, कंप्यूटर पाठशाला सुन भाषा में आपका स्वागत है। आज का मेरा लाइव है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। तो आइए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर बताते हैं। देखिए, ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन है। तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना होगा, तो कीबोर्ड में विंडोज बटन और आर दबाना होगा और उसमें लिख देना होगा विन वर्ड। ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट पेज ऐसा, इस पेज को साइज को छोटा कर लेना होगा। पेज लेआउट में जाएंगे और देखिए यहाँ पर बोलिए टेंशन में जाकर हमें लैंडस्केप करते हैं। ये पेज चौड़ा में हो गया हमारा, ये फोर साइज ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ से साइज का कितना छोटा रखना कितना बड़ा रखना होगा। तो व्यू टैब में जाकर यहाँ से जूम पेज कर लेंगे और यहाँ से हम रख लेते हैं 75। इसे भी छोटा रखना होगा तो यहाँ से जूम कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना होगा कि ये तो मेरा पेज सेटअप, इसको चाहे तो बॉर्डर लगाना हो तो पेज लेआउट टैब में जाएंगे, पेज बॉर्डर, और यहाँ से हम कोई एक लाइनिंग ले लेते हैं, यहाँ से कलर भी कर लेते हैं और ये चौड़ा मोटा जितना रखना चाहते हैं ओके कर लीजिएगा। देखिए मेरा पेज बॉर्डर लग गया। अब कर्नल लगाना होगा तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप में जाएंगे और ये देखिए यहाँ पर कितनी भी दिया, यहाँ पर भी दिया, इस दोनों में कोई हम एक लेते हैं और ड्रा करते हैं और यहाँ से इसको ये मैं करना सेटिंग हो गया। इसका भी कलर करना है तो यहाँ से रेड कलर कर दीजिएगा। आउटलाइन नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन, और सेम इसी का एक कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दीजिए, कंट्रोल सी भी। इतना तो हमें समझ में लोगो बनाना होगा। तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप में जाएंगे और यहाँ से 32 स्टार जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। ये लाइनिंग के पॉइंट जितना कम चाहिए यहाँ पर कम कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसका जो कलर है तो यहाँ पर कलर जाकर हम चेंजिंग कर देते हैं, आउटलाइन का भी नो आउटलाइन कर देंगे। इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप में जाएंगे, अब यहाँ से देखिए ये वाला जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है ड्रा करते हैं यहाँ से। इसका कलर चेंजिंग करना चाहते हैं सेफ फिल्म में जाकर यहाँ से कलर कर दीजिएगा, नो आउटलाइन कर दीजिए, इसी का एक कॉपी पेस्ट कर दीजिए आप, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ से इसको ड्रा कर दीजिए। ऐसे ग्रुप करना होगा तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा और कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट कर दीजिएगा और राइट बटन क्लिक करना होगा, ग्रुप कर दीजिए यहाँ से। अब ये एक साथ जाएगा, अब आपको जितना एडजस्ट करना है आप एडजस्ट कर दीजिएगा। कलर भी इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फिल्म में जाकर यहाँ से कलर चेंज कर दीजिएगा, लाइनिंग का कलर देना चाहते हैं तो लाइनिंग का कलर से दे दीजिएगा। अब जो सर्टिफिकेट है किस कंप्यूटर का बना होगा तो उसके लिए हम नाम देना चाहते हैं, तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई एक ले लेते हैं, ले देते हैं इतना तो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट इसी का हमें कॉपी करके कंट्रोल सी और भी करते हैं और ऐसा ड्रा कर लेंगे, मैसेज को सेलेक्ट करेंगे और लिख देते हैं इस लेटर को सेलेक्ट करके यहाँ पर जाएंगे और फ्रंट में जाकर इसका लिखावट जो है कैसे पड़ता है साइज कहाँ से बड़ा कर लीजिए। अक्षर बदलना चाहते हैं लिखावट का, अब इसका कलर करना चाहते हैं इसको सेलेक्ट कीजिएगा, टेक्स्ट कलर में जाकर यहाँ से कलर कर दीजिए। अब मुझे लिखना है द सर्टिफिकेट, तो इंसर्ट टैब में जाकर टेक्स्ट बॉक्स डार्क टेक्स्ट यहाँ से ड्रा करते हैं। यहाँ से इसको ड्रा करके छोटा कर लीजिएगा और इसको मध्य में रख दीजिए। इसका लाइनिंग नहीं चाहिए तो सेलेक्ट कीजिएगा और आपको फॉर्मेट टैब में जाकर शेप आउटलाइन पर जाना होगा, नॉट आउटलाइन। अब किसके नाम से है तो उसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाकर वर्ड आर्ट ले लेंगे,
ऐसे कोई फंड पकड़ेंगे। रवि कुमार, साइज को बड़ा करना होगा, मैसेज सेलेक्ट, होम टैब में जाकर यहाँ साइज बड़ा कर लेंगे। लिखावट को फंड बदलना होगा, मैं लेटर को सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से जाकर जैसा आपको लेटर चाहिए ऐसा चेंज कर दीजिए आप। चलिए अब इसको सेलेक्ट करना होगा, कंट्रोल सी भी। अब ये कितने मंथ का सर्टिफिकेट है आप यहाँ पर टाइप करते हैं, कौन सा कोर्स। अब इसको माध्यम में कर लीजिए, मैसेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा, इस फंड में जाकर इसका अक्षर बदल ऐसा होना चाहिए, इसको डेट होना चाहिए, यहाँ पर टाइम कर दीजिए आप। इंसर्ट टाइम में जाकर टेक्स्ट बॉक्स में डार्क टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पर लिख देते हैं इशू डेट। अब यहाँ पर डॉट डॉट दे देते हैं, जिस दिन का आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया है आपको डेट का ऐड कर देना होगा। सेम आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन कर दीजिए। सेम इसी का एक कंट्रोल सी भी करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं साइन फॉर। अब इसको एडजस्ट करते हैं, सेटिंग कर लीजिएगा, सजा लीजिएगा। इतना तो हमें समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसका बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, सेट्स में चले जाएंगे और यहाँ से इसका साइज को एक डार्क करते हैं। अब ये मैं सेफ पे इसको कलर करेंगे तो किसके लिए क्या करेंगे, सेफिंग में चले जाएंगे और यहाँ से हम चले जाते हैं टेक्स्चर में और यहाँ से एक टेक्स्चर को ऐड करते हैं ये वाला हम ले लेते हैं। अब इसको पीछे करना है, वॉप टेक्स्ट में जाएंगे, बिहाइंड टू टेक्स्ट कर देंगे, सेफ फिल में जाकर ऐसा नो फिल कर देंगे, इसका भी हम नो फिल कर देंगे, इसका हमें नो फिल कर देंगे और इसका भी हमें नो फिल कर देंगे। तो ऐसे हम कंप्यूटर का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। नेक्स्ट लाइव में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।